राहुल गांधी के दीवाने हो गए लोग, पूरी पार्टी का ही कर दिया कांग्रेस में विलय, भाजपाइयों के उड़े होश। राहुल गांधी ने भारत तो जोड़ो यात्रा पूरी की है, तब से देश में राहुल गांधी को लेकर लगातार लोगों के अंदर दीवानगी बढ़ती जा रही। इसके साथ ही राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में राहुल गांधी के उठाए हुए मुद्दों की चर्चाएं होती है। इस सब के बीच लोकसभा चुनाव से पहले लगातार भाजपा के तमाम बड़े नेता अपनी पार्टी को छोड़कर अब कांग्रेस के साथ आ चुके हैं। इसके साथ ही ऐसी कई पार्टियां देखी जा रही हैं जिन्होंने कांग्रेस में अपने आप को विलय कर लिया है। बता दें कि मध्य प्रदेश की बजरंग सेना हो या फिर नागरिक एकता पार्टी, जितने भी तमाम ऐसी पार्टियां हैं वो खुद को कांग्रेस में विलय करती हुई जा रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर नागरिक एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शमीम खान, प्रमुख महासचिव रिजवान अहमद, मोहम्मद नईम अंसारी, उमर खान, मोहम्मद शकील, हाजी मुन्ना, डॉक्टर शाइस्ता, गुलनाज बानो, अलाउद्दीन अंसारी, अमरीन, एतीन एडवोकेट, मोहम्मद अनीस, पीयूष राजपूत, परवेज आलम समेत तमाम समर्थकों ने अपने आप को पार्टी के साथ कांग्रेस में शामिल कर लिया। नागरिक एकता पार्टी का कांग्रेस में विलय करते हुए मोहम्मद शमीम खान ने कहा कि दबे कुचले पिछड़े अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक समाज के साथ बढ़ते हुए अन्याय को रोकने के लिए केवल कांग्रेस का नेतृत्व ही सक्षम है। कड़ाके की ठंड में भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी के संघर्षों से प्रभावित होकर पूरी पार्टी ने निर्णय लिया है कि लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा करने के लिए हम कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। बता दें कि इसी तरह से तमाम दल और भी हैं जिन्होंने अभी तक कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तमाम दलों के बड़े बड़े नेता अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और इस सबको देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत हासिल होगी तो वही बीजेपी सत्ता से बाहर हो सकती है। इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइए।